नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो, अब आप बोलेंगे, दोबारा से कह रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रह एक ऐसी चाल उत्पन्न कर रहे हैं जिस चाल के कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े हालातों को जन्म मिलेगा। और प्रकृति के रिलेटिवली सबसे बड़ा पहलू, ऐसा पहलू होगा जो इतिहास को बदलने का कार्य करेगा, और इसका प्रभाव आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति जो उत्पन्न होनी थी वो ऑलरेडी उत्पन्न हुई है। अब देखिए, आप सबसे बड़े प्रभावी रूप से क्या स्थिति उत्पन्न हुई। IPCC सबको पता है, और IOCC इंडियन ओशियन ऑफ क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रदर्शित करी। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात बोली गई कि दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़े महाविनाश। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाहकर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। का समय शुरू हो गया, एक बहुत बड़े ऐसे बदलाव का पहलू शुरू हुआ है जो प्रकृति के कारण बड़े चेंज क्रिएट कर रहा है। और इस चेंज को क्लाइमेटिकल रिसोर्सिकल चेंज कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है। अगर ये बात IPCC और IOA के द्वारा बोली गई है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटा पहलू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके कारण दुनिया के अंदर बड़े बदलाव आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हमारे को देखने को मिलेंगे। तो साउदर्न ओशियन, एक ऐसा भारत, एक ऐसा पार्ट जिसके साथ में भारत के कई ओशियंस जुड़े हुए हैं, जिसमें रिंग ऑफ फायर वाला प्रशांत महासागर भी जुड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट चल रहा है। तो दुनिया के अंदर कहीं पे ज्वालामुखियों का फटना एक्टिवेट हो रहा है, और उसी के अंदर ये घटना जिसने प्रकृति के इतिहास को इस प्रकार से बदला, जिसमें मछलियों की 12 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई या विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। इसके साथ साथ पक्षियों की 7 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां बिल्कुल विलुप्त हो गई, और 5 प्रजातियां उस अंतर सीमा के ओर खड़ी हैं जो आने वाले टाइम में, मतलब 2 से 3 सालों में अगर कुछ नहीं किया गया तो इनको हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी। इसके बाद में वनस्पति जगत की 3 महत्वपूर्ण शैवाल, जो वन्य कह रहा हूँ मैं, ओशियन रिलेटेड, मतलब ये कहिए समुद्री जीव जंतुओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई। मतलब जो एक साइकिल, हमारा एनवायरमेंटल साइकिल का जो चलता है, थोड़ी सी साइंस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रहों की चाल भी बताई थी मैंने ऑलरेडी, तो उस साइकिल के अंदर छोटे जीव, बड़े जीव छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं, सबसे छोटे जीव सबसे छोटे शैवालों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के शैवालों का विलुप्त हो जाना छोटे जीवों के लिए बड़े संकट को दिखा रहा है। जो बोला मैंने ऑलरेडी कि 7 प्रजातियां 2019 से 23 तक के डाटे के अंदर ये सारा रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो अब इसके कारण बड़े जीवों पर भी इम्पैक्ट होगा, और समुद्री जीव जंतुओं के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो केवल प्रकृति का कहर मनुष्य के ऊपर ही नहीं टूट रहा, प्रकृति का कहर वन्य जीव जंतुओं से लेकर समुद्री जीव जंतुओं तक, पक्षी जगत तक, सभी के ऊपर टूट रहा है। तो तांडव केवल यही नहीं होता कि मनुष्य के ऊपर टूटेगा। हम लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा तांडव अगर हो रहा है तो हम लोग क्यों जिंदा है, इतनी करोड़ों की आबादी क्यों जिंदा है। तो इतनी करोड़ों की आबादियों में हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान ने केवल इंसानों को ही नहीं बनाया, इंसानों से पहले बहुत सारे जीव जंतुओं को भी बनाया है।
तो अब जब धर्म और पंथों का विभाजन हुआ, इस विभाजन के बाद में मनुष्य को सबसे ऊंची श्रेणी में समझना मनुष्य ने खुद पे खुद चालू कर दिया। लेकिन इससे पहले हम लोगों के, जो आज से कई युगों की पहले की बात करें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पशु जगत के, ऐसे वनस्पति जगत के और ऐसे वन्य जीव जंतु हुआ करते थे जिनको मनुष्य से ऊपर की श्रेणी में रखा जाता था, और आज मनुष्य ने उस श्रेणी को बदलने का कार्य करा है। तो जब परिवर्तन शुरू होता है तो केवल मनुष्य के जीव जगत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शुरू होता है, जिस परिवर्तन का कारण आज ये रिपोर्ट हम लोगों के सामने लेके आई है। एक बहुत ही भयंकर आइसबर्ग, भयंकर इसलिए, बड़ा इसलिए, जो 1500 स्क्वायर माइल्स का है, मतलब लंदन के दो गुना बड़ा, लंदन से भी दो गुना बड़ा, इतना बड़ा आइसबर्ग टूट के समुद्र के अंदर तैरता हुआ साउदर्न ईस्ट ओशियन की तरफ आ रहा है और ये धीरे धीरे पिघल रहा है। रशिया का एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी इसके ऊपर था जो वहाँ से हटा लिया गया। तो इतना बड़ा आइसबर्ग के पिघलने का मतलब है समुद्र के अंदर बड़े बदलावों को दिखाना। समुद्र के अंदर अगर बदलाव होते हैं तो ज़मीन पर रहने वाले लोगों के जीवन के अंदर भी बदलाव आता है। मतलब जो बात कही जा रही है 2030 तक कि कोस्टल रीजन्स के एरिया, जो मैंने चार्ट भी दिया था, आप लोग अपने एरियो को जाके सर्च भी कर सकते थे, उस चार्ट के अंदर पानी का आ जाना, मतलब एक फिट तक के लैंड पैमार, तो जो भी एक फिट तक के एरिए कोस्टल रीजन्स के अंदर हैं उनका पानी के अंदर डूब जाना आने वाले समय को दिखा रहा है। तो एक बड़े आइसबर्ग का जब धीरे धीरे मेल्ट होना इतने बड़े का, तो एक एंटायर लाइफ के अंदर, इन्वायरमेंटल साइकिल के अंदर, ओशियन साइकिल के अंदर बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है। तो ग्रहों ने अपना चाल खेल दिया, दुनिया के अंदर सबसे बड़े विभाजन का समय उत्पन्न करा, सबसे बड़े प्राकृतिक विभाजन का समय उत्पन्न करा, और मानव इतिहास का सबसे बड़ा आइसबर्ग ये अभी टूटा है। और इसके बाद में एक नया चेंज इन्वायरमेंटल साइकिल के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है समुद्र के जल स्तर के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर देखने को मिले, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों के सामने जरूर निकल के आएगा। क्योंकि नेचर टेक, और मतलब ये कहिए कि गिव अवे वाला नेचर रखता है कि जो हम लेते हैं वो हमें वापस जरूर देता है। तो हमने जो उसको दिया है वो हमारे को रिटर्न बैक जरूर करेगा। अब जिस रूप में हमने उसको दिया है वो उसी रूप में हम लोगों को रिटर्न बैक करेगा। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर क्लाइमेटिकल चेंज के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया में आ रहा है, और ग्रहों ने इस चेंज को पहले से निर्धारित करा हुआ है, जो नियति का नियम है और इसको बदला नहीं जा सकता। इस नियति के साथ में हम लोगों को चलना पड़ेगा, इस नियति को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर इतने बड़े फेर बदल को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस को हम लोगों को सामने देखना होगा। इस युग परिवर्तन के समय में आज हर एक की जबान पर ये युग परिवर्तन का समय है। आज से पहले लोग इस बात को कालगणना का समय कह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन ये शब्द लोगों के मुंह में आ रहा है तो सब लोग जान रहे हैं कि युग परिवर्तन एक नया परिवर्तन है। और युग का मतलब केवल ये नहीं होता कि सतयुग से कलयुग से सतयुग में आना, युग का मतलब ये होता है सृष्टि के नियम को, एक पुराने नियम को छोड़कर एक नए नियम को अपनाना। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को समझिए। तो इस युग परिवर्तन में इस नए नियम के अंदर क्या क्या प्रणाली आगे चालू होने वाली है, आप और हम लोग सारे ही देखेंगे, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर कहीं कहीं बात आने वाले 5 सालों के बाद भी आप लोगों को याद रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी इस जानकारी से अवगत होए और समय कि क्या क्या परिवर्तन हम लोगों को प्रकृति दिखा रही है और आने वाले समय में कैसे कैसे दिखाएगी। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।